देखिए, बीते वर्ष 13-12-22 को एक रितेश कुमार नामक व्यक्ति हत्या हो गई थी, भवानीपुर का लड़का था। वो हत्या में अन्य की गिरफ्तारी हुई है, रंगराम में कांड भी दर्ज किया गया था। 650-22 दिनांक 14-12-22, धारा 302, 625-22। इसमें एक कुख्यात अपराधी था ब्रजेश यादव, इसकी गिरफ्तारी शेष थी। SIT टीम गठन किया गया था, लगातार प्रयास भी कर रहे थे। ये महेशखूंट में जाके छिपा हुआ था। हम लोग फिर उसको मतलब सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद महेशखूंट थाना प्रभारी के सहयोग से भी, और थाना प्रभारी बिट्टू कुमार कमल, रंगना थाना प्रभारी है, और चंदन और DIO की टीम मिलकर से अरेस्टिंग किया है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। इसका ये 4 आपराधिक इतिहास भी है। ये रंगरा में भी केस हुआ है, नवछा में भी हुआ है, और नवछा में 3 केस है और रंगरा में 1 केस। कुल 4 केस इसका हुआ है। किस तरह का केस है? ये बता रहे हैं कि रंगरा में जो केस हुआ है वो 302 वाला मर्डर का केस है, नगोछिया में भी आपका मर्डर केस है, नवछा में 2 मर्डर केस है, और नवछा में 1 आर्म्स एक्ट का अलग से केस है। कुल 4 कांड इसका दर्ज अब तक हम को जानकारी में है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये 7 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक जो विधि विरुद्ध बालक है निरुद्ध भी किया गया है, और शराब बरामद भी हुआ है 4.5 लीटर। कौन सी सर? क्या चीज शराब? शराब तो क्या लगातार ये अरेस्टिंग रेड हो रहा था। खड़ी थाना से ही है, अंभो नौ जगह से ये शराब की बरामदगी हुई थी 4.5 लीटर। यानी प्रतिदिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी शराब के अवैध कारोबार में शामिल हैं वो रेड करें, गिरफ्तारी वो सुनिश्चित करें। बच्चा कौन से हुआ है सर? बच्चा आपका ये जो है खड़ी थाना से ही, खड़ी थाना से ही है। उसका नाम शेयर नहीं कर सकता हूँ, है ना। उसके वहां से उसको निरुद्ध किया गया। 50/23 कांड संख्या है, चोरी का केस है, सेंधमारी का। घटनाक्रम में जो क्या हुई थी सर, क्या वजह से बताया है, कौन क्या है? वो देखिए, अनुसंधान का वो एक हिस्सा है, अपना वो स्वीकार किया है। स्वीकार करने के अलावा अन्य लोग से जो सहभागिता थी उसके बारे में बताया भी है। हम लोगों के पास फुटेज भी है, जो 2 अपराधी है उसको सत्यापन भी उन्होंने कर लिया है, छापामारी की भी गई है। वो 2 घर से फरार पाए जा रहे हैं, वो 2 की गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी। कितने लोग थे सर हत्याकांड में? उसमें 5-6 लोग बोल रहे हैं, 5-6 आदमी है जो शामिल है। हालांकि कई अपराधी ऐसे भी होते हैं कि जो PO पर डायरेक्टली नहीं रहते हैं, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, तो लोग उसको सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, उसे भी चिन्हित की जाएगी, 7 संकलन किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आपसी रंजिश जो बात आ रही है, ये पुराना रंजिश है। ये दोनों में जो आप जानते ही हैं, दोनों परिवार में पुराना रंजिश है। कई हत्याएं पूर्व में भी हो चुकी है, ये उसी कड़ी में ये घटना है। पहले कहा ना, वो अपने अलावा अन्य अपराधों की संगीता स्वीकार किया। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335।